हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा, मैं एक ब्रेसलेट बनाने जा रहा हूँ, तो इसका इमेज आपको थंबनेल में मिल गया होगा। आज मैं डायमंड का मार्केट ले रहा हूँ, इसके बाहर हेलो बनाएंगे। तो ऐसे मैं आउटर लाइन ले लेते हैं, जिन के फ्रंट के राइट के मार्केट के कॉलेज बना लेते हैं पहले, जिसके पॉइंट के साथ से इसको मैं रिविल कर लेता हूँ। तो 6.8 ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं एक्सपीड कर देता हूँ, 1 mm एक्सपीड कर देता हूँ, 1 mm का मीटर लगाता हूँ। इसको क्या करेंगे, चैम्पर 0.5 का चैम्पर ले लेता हूँ, मैं मार्केट लेके आता हूँ। इसको 0.2 स्टेपिंग ऊपर लेता हूँ, ठीक है। अभी इसको कॉर्न बनाना है, का पार्ट जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट करके बुलियन स्प्लिट कर देते हैं। हमको मिरर कर देते हैं कि मार्केट का प्लेट आपका बन गया। तो मेरे को इसका हाउट हेलो बनाना है, ठीक है। 0.2 का गैप लूँगा, एक इसका हाउटर जो लाइन का टू डी था, इसको कॉपी करके पेपर साइड करते हैं। तो 0.2 का एक ऑफसेट लेते हैं, फिर इसको 1.8 0.9 के साथ ले जाऊँगा। जो बाहर हेलो का टाइम होता है, तो मैं 1.2 लेता हूँ। ठीक है, इसका टेप खराब हुआ है, वहाँ पर ऑफसेट मारोगे तो इसको कुछ मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिवाइड 0.6 का ऑफसेट मिडिल लाइन आ गया, एक्सप्लोर करते हैं। फिर यहाँ पे 0.9 का डायमंड का 2D लेते हैं, बाहर 0.9 का स्थित मैं ग्रुप कर देता हूँ। फिर इसको एरिया लिंक कर करते हैं, मैं ये नंबर ऑफ आइटम बढ़ा रहा हूँ तो गैप कम हो रहा है। तो मुझे लेना था 0.9 का लाइन लिया है ना, तो 1.1 यानी 0.2 का गैप, ठीक है, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये दो पार्ट में मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ बाहर की तरफ, ठीक है। ये मेरा 2D हो गया, तो मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरे पार्ट में ग्रुप कर देता हूँ। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं माइक्रो सेटिंग करूँगा, इसलिए मैं 1.4 रखता हूँ। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर डायमंड टेस्टिंग कर देते हैं 0.9 का। पहले कर देते हैं, नहीं तो मैनुअली आपको सब टेस्ट करना पड़ता था, ठीक है।
इन सब गेम को मैं ग्रुप कर देता हूँ। तो पहले मैं मिरर कर देता हूँ, ग्रुप करके मिरर कर देता हूँ आधा को। मैं गेम को पॉइंट लेके ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये सिर्फ क्लिक करके माइक्रोफोन काटो लेना है आपको। टाइम में जाके मेरे पास ये लाइब्रेरी बना हुआ है, आप भी बना सकते हैं मैन्युअली, मना कर रखोगे तो ये रहेगा। वीडियो में आपको दिखा दूंगा कैसे माइक्रो लाइब्रेरी बनाना है, ठीक है। ये मेरा माइक्रो का कटर आ गया, मैं ये दो पार्ट ज्वाइन करता हूँ। पॉइंट टू टॉप से सेंटर का कटर बनाना है हमें। पहले पॉइंट थ्री डी को डिलीट कर देता हूँ, उसको मैं अलग कलर कर देता हूँ ताकि समझ में आए। मैं एफ सिक्स क्लिक करके सेम कटर ले लेता हूँ। ये आपको 60% रखना है, 60 के भी इतना भी रखना है देख सकते हो। ये ध्यान रखना ये ऊपर कितना मूव करना है और ये नीचे का ऑफसेट कितना लेना है। ये 1% एकदम डायमंड के टच टू टच ऐसे लेना। नीचे का जो कटर का लाइन आ रहा है दिल का, ये डायमंड से थोड़ा बड़ा रखना जितना काफी, ठीक है। अभी मैंने हाफ पार्ट में माइक्रो का कटर लिया तो उसको मुझे मिरर करना पड़ेगा। पहले मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। पूरा माइक्रो कटर आ गया। अभी क्या करना है, प्लेट मार देता हूँ मैं, 0.3 का प्लेट मारता हूँ। अब इसको बुलियन डिफरेंस कर लें, बुलियन डिफरेंस करो ना, तो यहाँ पे बुलियन डिफरेंस हो गया आपका। माइक्रो माइक्रो का कटिंग हो गया, यू कर भी मिलते हैं इसको। मैं पॉइंट थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, अभी लिंकिंग के लिए बनाना पड़ेगा पॉजिशन का ना। लिंकिंग मैं डुप्लीकेट एज लेता हूँ, बाकी पार्ट मैं हाइड करता हूँ। इसको ज्वाइन किया, इसको 0.8 का ऑप्शन लिया, ठीक है। मैं 0.6 का ताला दूंगा, 0.8 बाई 0.6, तो हाइट रहेगा इसका 0.6 और ऊपर से 0.8, तो 0.6 प्लस 0.6 प्लस 1.8। इसको मैं 1.8 मूव करता हूँ, फिर ऊपर के साइड 0.8 का मीटर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। एक रेक्टेंगल लेते हैं 0.6 बाई 0.8, रोटेट कर लेते हैं 90, ठीक है। ये सेंटर में लिया। अभी माइक्रो का थिकनेस था मेरा 1.4, मैं इसको 1.4 मूव कर, इसको क्या करना है कॉपी करना, ठीक है। ये हो गया, सेविंग कर लेता हूँ, अलग कलर कर देता हूँ।
अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ। हाँ देना पड़ेगा। इसको मैं ऑफ स्टिक पुल कर देता हूँ ऊपर के साइड। ऊपर का पार्ट भी लिखा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी करता हूँ नीचे का साइड, जैसे पूरी कॉपी किया था। ये पार्ट डील करना है नीचे, और लेफ्ट साइड में ये पार्ट इसको मैं कॉपी करके लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ। ये पार्ट भी डील करना है, इसको डील करना है। ये हो गया आपका ताला नहीं, इसको डिलीट कर लेता हूँ। अभी मैं ब्रेसलेट बनाऊंगा 7 इंच के हिसाब से। 7 इंच का साइज होता है 25.4 इंच × 5 177.8 177.8 का एक लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, यही मैं नोट करके उसमें स्प्लिट कर देता हूँ बीच से, ठीक है। तो अब चला कर देते हैं। अभी ये पैरामीटर मैं माप लेता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे कितना है 5.58। तो अरे एलम कर्व करना है, अरे एलम कर्व आपको कहाँ से ट्रांसफॉर्म अरे एलम कर्व सिलेक्ट पास करो। डिस्टेंस में मैंने कितना लिया था 5.6 ले ली। तो देख लो मिले नहीं लेफ्ट साइड में भी, तो 5.6 का कर लो, ठीक है। ये मेरा ब्रेसलेट का बन गया। अभी मेरे टीवी बॉक्स का है, तो टीवी बॉक्स कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक पड़ में बॉक्स बनेगा, एक पड़ में टीवी बनेगा। इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, पूरा मस्ती से सर इसको टीवी बॉक्स छोटा से मार्कर से बनाएंगे। काफी है छोड़ रहे इसको, ठीक है। फिर 1.5 से 2 mm उसको रखना है। ये साइड से लेता हूँ, ये आउटर से मैं काट देता हूँ, आउटर से स्क्वायर में काउंटर ले लेते हैं। ये नीचे इसको प्रोजेक्ट टू थी प्लेन करना, ये पड़ गया आपका बॉक्स। मैं 0.7, ठीक है। मैं नीचे लिए लेता हूँ 0.7 प्लस 1.5 एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, सीधे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं सर्फेस कर रहा हूँ,
-0.8। ये आपको सपोर्ट डालना है 0.8 की सपोर्ट। ये देखिए मैं एक्सप्लोर अगर नहीं करता हूँ ना मेरा ऐसा आता है तो खराब है, तो फाइलिंग नहीं चल रहा है, इसलिए मैं एक्सप्लोर करके करता हूँ। आपको एक्सप्लोर करने की कोई जरूरत नहीं है, मिरर कर दिया। अभी ये पार्ट राहुल भी है, इसमें स्क्वायर में एक लाइन कर सकते हैं, ये पार्ट को मैं ऐसे कट कर देता हूँ। ये वाला फोटो तो पैक होगा, ज़्यादा चौड़ा रहेगा तो पैक करने का जरूरत नहीं, थोड़ा मेटल रख के जैसे लिंक की में किया था वैसे ही क्या ये चलेगा। नीचे से पुट्टी देना पड़ेगा ताकि ये भी बाहर ना आए। ये हो गया आपका बॉक्स पार्ट। अभी क्या करेंगे, ये पार्ट को थोड़ा ऊपर मूव करना पड़ेगा, डायमंड पार्ट को। मैं डायमंड पार्ट को ऑन को कर लेता हूँ, ये पार्ट को थोड़ा मूव को ऑन। पॉइंट सेवन ऊपर मूव को, ये वाला पार्ट का मुझे जरूरत नहीं है, बॉक्स के लिए आउटर ले लिया। बॉक्स को मुझे थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, पार्ट को भी सेम लेवल लेना पड़ेगा, 0.5 ऊपर मुझे। इस बॉक्स का डुप्लीकेट एज ले लेता हूँ, इसको इसको मुझे ये वाला पार्ट जो अंदर पार्ट है वो काटना है। बॉक्स को हाइड करके दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट मुझे काटना पड़ेगा, अंदर का साइड में जो पार्ट है। ठीक है, अब ये पार्ट मैं ऊपर मूव कर लेता हूँ, एक्सट्रूड कर लेता हूँ वाला पार्ट। ठीक है, ये पार्ट का मुझे मैंने जो पैक किया था उसको जरूरत नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा बॉक्स पार्ट बन गया, मुझे जीबी पार्ट बना, सॉरी बॉक्स पार्ट बन गया, अभी मुझे जीबी पार्ट बनना है। लिंकिंग कॉइल का जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट की जरूरत नहीं है, तो मुझे 0.5 पर मूव करना है। ठीक है, तो मैं स्केल करके बड़ा कर लेता हूँ, ये सर्फेस को कॉपी करके ये एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये पैक हो गया, हम क्या करना है, ये जो पार्ट है
बाकी तो बाद में नोट करता हूँ, कनेक्ट किल करके पॉइंट सोन करके इसको ईद तक ले लेता हूँ। ठीक है, ये साइड में इसका जरूरत है नहीं, तो मुझे यहाँ पे जरूरत है, तो मैं यहाँ पे इसको काट लेता हूँ। ये मेरा जीवी कार्ड बन गया। अभी एक काम करना है, क्या काम करना है, यहाँ पे थोड़ा पैक करना है, -5 बॉक्स पर जो भी करना है 0.8 जल्दी बॉक्स पर जो भी करना है। मैं मूव कर देता हूँ, ये सब का रिवॉक्स बनाया, हम सब को इतना ही देना है। अब इसे माटी दे सकते हैं, माटी का पंजन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मेरी जो माटी रेडी है मैं दे देता हूँ। अरे माटी नहीं, आपको सेक्टर 3 का पंजन, सेफ्टी पिन एक साइड में भी दे सकते हो, बोथ साइड में भी दे सकते हो, कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये हमारा जीबी बॉक्स बन गया। अभी मैं पूरा डायमंड पार्ट लेके आता हूँ, लेकिन पार्ट देख लेता हूँ कितना प्रिंट होना है। ठीक का लिंक बनेगा, पार्ट अलग करके ये दिखा देता हूँ आपको, ये इसका लिंक बनता है, ब्रेसलेट का लिंक है। तो ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।